फ्रेंड, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी यूनिट सेकंड। तो इस वीडियो में बात करेंगे स्टडी ऑफ क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। तो इस वीडियो को मिस नहीं करिएगा, क्योंकि आगे की वीडियो आपको समझ में नहीं आएंगी जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगी। तो आइए बात करते हैं क्लोनिंग वेक्टर होता क्या। क्लोनिंग का मतलब होता है रेप्लीकेटिंग डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है। एक डीएनए का ऐसा टुकड़ा जो रेप्लीकेशन करवाए, मतलब कि रेप्लीकेशन का मतलब होता है कि एक डीएनए से दो डीएनए बनना, उसको बोलते हैं रेप्लीकेशन बोलते हैं, या बोल सकते हो मेकिंग देयर कॉपीज, जो कॉपीज बनाए, ठीक है। और वेक्टर का मतलब होता है कैरियर, या बोल सकते हैं व्हीकल, मतलब जो ले जाने का काम करेगा। तो हमारे क्लोनिंग वेक्टर एक ऐसे डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट या डीएनए के टुकड़े को किसी होस्ट सेल के अंदर ले जाते हैं और उसका रेप्लीकेशन करवाते हैं, उसी को बोलते हैं क्लोनिंग वेक्टर बोलते हैं। तो यह डायग्राम से समझते हैं। मान लेते हैं कोई हमारे पास एक वेक्टर है जिसको हमने बोल दिया प्लाज्मिड है, ये हमारे पास एक फॉरेन डीएनए है। इस फॉरेन डीएनए को क्या करेंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। अब हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, अब क्या करेंगे, इसको हम किसी होस्ट सेल के अंदर क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, होस्ट सेल क्या करेगी, ढेर सारी यहाँ पे कॉपीज़ बना देंगी। तो यही हमारा कहलाता है क्लोनिंग वेक्टर। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखा गया कि जो हमारे क्लोनिंग वेक्टर होते हैं, एक डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे प्लाज्मिड से डेराइव्ड किए जाते हैं या वायरस से डेराइव्ड किए जाते हैं, जिनका यूज़ हम किसी भी फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट को कैरी करने का काम करते हैं, और उस डीएनए को हम क्या करते हैं, किसी होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, जिससे उनका क्या हो जाता है, रेप्लीकेशन। रेप्लीकेशन का मतलब होता है मल्टीप्लाइकेशन, एक से दो का बनना, उसको बोलते हैं मल्टीप्लाइकेशन। तो उसी को हम बोलते हैं क्लोनिंग वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारा प्लाज्मिड हो गया क्लोनिंग वेक्टर, बैक्टीरियोफेज हो गया हमारा क्लोनिंग वेक्टर, और हमारा कॉस्मिड, इन्हीं तीनों को डिटेल में देखने वाले। तो ये पहले समझते हैं क्लोनिंग वेक्टर और अच्छे तरीके से। मान लेते हैं हमारा यहाँ पे एक वेक्टर है, ठीक है। एक वेक्टर जैसे हम इसमें ले लेते हैं प्लाज्मिड, एक वेक्टर हमने ले लिया। तो हमारा प्लाज्मिड जो है एक तरीके का डीएनए मॉलिक्यूल्स है, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है, और इसको क्या करते हैं कि किसी फॉरेन डीएनए के साथ इसको बाइंड करवा देते हैं, ठीक है। बाइंड करा दिया तो हमारा जो बना, तो ये हमारा बनता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम क्या करते हैं, किसी होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, और यहाँ पे क्या होता है कि इनकी ढेर सारी कॉपीज़ बन जाती है, वही हमारी कहलाती है क्लोनिंग वेक्टर कहलाती है। तो ये डायग्राम से एक दूसरे तरीके से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारे प्लाज्मिड है और हमारा डिजायर डीएनए मतलब फॉरेन डीएनए है। अब इनको क्या करेंगे, एक एंजाइम होती है जिसको बोलते हैं रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज। रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज के हेल्प से इनको क्या करेंगे, कट कर लेंगे, इसको भी कट कर लेंगे, इसको भी कट कर लेंगे। कट करने के बाद इनको क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। जोड़ने के लिए जो एंजाइम यूज करते हैं उसको बोलते हैं लाइगेज एंजाइम, अभी आगे डिटेल में देखने वाले हैं। तो हमारा अब यहाँ पे हमने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, तो हमारा बन गया आरडीएनए। आरडीएनए का मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करेंगे, किसी होस्ट सेल के अंदर, होस्ट सेल मान लीजिए हमने ई कोलाई यहाँ पे ले लिया, अब इसके अंदर हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब क्या होंगी कि इसकी जो है ढेर सारे यहाँ पे कॉपीज बन जाएंगी, ढेर सारे इसके कॉपीज बन जाएंगी, तो वही हमारा कहलाता है क्लोनिंग वेक्टर कहलाता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आइए देखते हैं कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज़ होती है हमारे क्लोनिंग वेक्टर की, तो उस प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहला है कि जो हमारा वेक्टर है, ठीक है, उसका साइज स्मॉल होना चाहिए। दूसरा है कि जो हमारा वेक्टर है उसमें एक रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस मतलब एक साइट होनी चाहिए। रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट का मतलब होता है कि एक ऐसी साइट जहां से हम क्या करेंगे, यहां पे कट लगाएंगे, उसको बोलते हैं हम सिंगल रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट बोलते हैं। और तीसरा, इसमें आइडियल करेक्टर ये होना चाहिए कि जो हमारा प्लाज्मिड है, मतलब कि जो हमारा क्लोनिंग वेक्टर है, जो हमारा वेक्टर है, इसमें क्या होना चाहिए, एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होना चाहिए। तो यहाँ पे ओरी साइट ऐसे प्रेजेंट होता है, अभी डायग्राम में दिखाएंगे। तो एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होना चाहिए, और इसमें कम से कम एक से दो जेनेटिक मार्कर होने चाहिए। जेनेटिक मार्कर में जैसे हमारा टेट्रासाइक्लिन हो गया, एम्फिसिलिन, ये सारे हमारे जो है जेनेटिक मार्कर कहलाते हैं। तो इसमें एक या एक से अधिक जेनेटिक मार्कर होने चाहिए। और तीसरा सॉरी चौथा, इसमें यह आइडियल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कि जो हमारे वेक्टर हैं उसको आसानी से हम आइसोलेट कर सकें, उसको आसानी से हम प्यूरीफाई कर सकें, और उसको आसानी से किसी होस्ट सेल के अंदर हम इंट्रोड्यूस कर सकें। ये सारे आइडियल प्रॉपर्टीज़, आइडियल कैरेक्टर हमारे वेक्टर के अंदर होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारा
हमारा जो सबसे पहला वेक्टर आता है प्लाज्मिड। जो हमारा प्लाज्मिड होता है, यह हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है, और इसका जो आकार होता है वह सर्कुलर होता है। इसमें जो होता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल का मतलब क्या होता है, इसको समझा देते हैं। मान लीजिए कि ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, एक प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड का आकार कैसा होता है, सर्कुलर आकार का हमारा डीएनए मॉलिक्यूल्स बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, उसी को बोलते हैं हम प्लाज्मिड बोलते हैं। ये हमारा प्लाज्मिड है। अब प्लाज्मिड के अलावा भी इसमें ऐसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इस क्रोमोसोम के अलावा जो पाया जाएगा उसको हम बोलेंगे क्या, प्लाज्मिड बोलते हैं। तो वही लिखा गया हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड जो सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है, और इसमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है। और जो हमारा प्लाज्मिड होता है, यह क्या करता है कि इसके अंदर जो होती सबसे लो कॉपी करने की जो क्षमता होती है, एक से चार सेल को बनाएगा, और सबसे ज़्यादा जो हाइएस्ट होती है यह 10 से 100 कॉपी तक बना सकता है। तो वही लिखा गया कि ऑलमोस्ट ऑल द बैक्टीरिया है प्लाज्मिड कंटेनिंग ए लो कॉपी नंबर 1/4 पर सेल, मतलब एक सेल जो है एक से चार, मतलब सबसे मिनिमम बनाएगी कॉपी, और सबसे हाईएस्ट जो कॉपी नंबर बनाएगी वह 10 से 100 पर सेल बनाएगी। और जो हमारा प्लाज्मिड होता है, इसके जो साइज होती है 1 से 500 किलोबाइट होती है, इसकी साइज होती है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो हमारा प्लाज्मिड होता है, अगर हमारा जो प्लाज्मिड है वह अगर 100 से ज़्यादा मतलब सेल को क्या करता है, बनाता है, सेल की कॉपीज बनाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है द नंबर ऑफ प्लाज्मिड इन ए बैक्टीरिया सेल कैन बी इंक्रीज टू अबाउट 1000 पर सेल। दिस प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्लाज्मिड इज कॉल्ड एम्प्लीफिकेशन। जब कोई एक बैक्टीरिया सेल 1000 से ज़्यादा कॉपीज बनाएगी तो उसको हम बोलेंगे एम्प्लीफिकेशन बोलेंगे। तो आइए समझते हैं कैसे एम्प्लीफिकेशन बोलेंगे। मान लीजिए कि हमारा फॉरेन डीएनए है, ये हमारा प्लाज्मिड है। अब हमने क्या किया, इसमें एक कट लगा लिया, मतलब इसको रिस्ट्रक्शन इंडो न्यूक्लियस एंजाइम जो होता है उसकी हेल्प से हम दोनों को क्या करते हैं, कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर वही लिख दिए हैं, सेम रिस्ट्रक्शन एंजाइम यूज फॉर बोथ फॉरेन डीएनए और प्लाज्मिड। मतलब फॉरेन जो डीएनए है इसको कट करने के लिए हम रिस्ट्रक्शन इंडो न्यूक्लियस एंजाइम का यूज किए, और जो हमारा प्लाज्मिड है इसको भी हमने कट कर दिया रिस्ट्रक्शन इंडो न्यूक्लियस के हेल्प से। हमने यहाँ पे कट लगा दिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से जब हमने कट लगाया था इस तरीके से हमें मिल गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं जिस एंजाइम की हेल्प से, उसको बोलते हैं लाइगेज एंजाइम बोलते हैं। तो लाइगेज एंजाइम की हेल्प से हम इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इसको क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे जोड़ देंगे तो हमारा देख सकते हैं, तो अगर इस तरीके से जोड़ते हैं तो हमारा मिलता है GAATTC। इसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री डीएनए, मतलब इसका कम्प्लीमेंट बनाना। तो यहाँ पे अगर इसको ऐसे इसके साथ जोड़ते हैं, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, ठीक है। तो अगर इसके साथ जोड़ते हैं तो हमारा बन जाएगा GAATTC। तो ये हमारा कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहलाता है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट बन गया, तो ये हमारा जो यहाँ पे बना ज्वाइन, इन दोनों को जब हमने ज्वाइन किया तो हमारा एक बना डीएनए, जिसको हमने बोल दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल दिया। हमारा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बना है इसको अब क्या करेंगे, किसी होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र करने की प्रोसेस जो कहलाती है ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। ट्रांसफ़र हमने कर दिया तो यहाँ पे अब क्या हो गई, ढेर सारी हमारी कॉपीज यहाँ पे बन गई, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम एम्प्लीफिकेशन। जब 1000 से ज़्यादा कॉपीज बनती है उसको हम बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल लिखा गया प्लाज्मिड का, जैसे PBR322 हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है प्लाज्मिड, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। PBR का मतलब होता है प्लाज्मिड बोरिवर रॉड्रिगेज, ये साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है, ठीक है। और PUC एक हमारा है जो प्लाज्मिड, ये भी ज़्यादा यूज होता है, जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। तो एक कैलिफोर्निया में एक यूनिवर्सिटी थी जिन्होंने क्या किया था, इस प्लाज्मिड को खोजा था, इसलिए इसका नाम इस तरीके से पड़ा है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मिड के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मान लेते हैं ये बैक्टीरिया एक है, इस बैक्टीरिया के अंदर जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मतलब प्लाज्मिड प्रेजेंट है और क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अब क्या किया हमने, प्लाज्मिड को थोड़ा जूम आउट करके यहाँ पे बना दिया। तो एक इसमें प्रमोटर साइड
होता है, ठीक है। और इसमें एक जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, और यहाँ पे एक ओरी साइड मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, एक सेलेक्टेबल मार्कर होता है, और एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें इसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं दूसरा हमारा जो वैक्टर आता है, वैक्टेरियोफेज आता है, जिसको हम फाज भी बोलते हैं। वैक्टेरियो का मतलब होता है बैक्टीरिया, फाज का मतलब होता है वायरस। ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड कर दे उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मान लेते हैं एक वायरस है, ए वायरस क्या कर रहा है, इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, मतलब कि अपने अंदर का जो भी जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल क्या किया, इस बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, तो ए बैक्टीरिया क्या हो गई, इन्फेक्टेड हो गई। अब क्या करेगी ए बैक्टीरिया, ढेर सारा यहाँ पे वायरस बनाने का काम करेगी, तो उसी को बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज का मतलब कि ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड कर दें उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाज बोलते हैं। आपने एक पढ़ा होगा माइक्रोबायोलॉजी में लाइटिक साइकिल पढ़ा होगा, तो वहाँ पे इसको डिटेल में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स है, ये इसका हेड कहलाता है, इसका कॉलर कहलाता है, ये सीट है, देख सकते हैं ऐसा ऐसा बनना है, ये हमारा बेस कहलाता है, टेल है, और इसकी एक बाइंडिंग प्रोटीन साइट होती है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हमारा प्रेजेंट होता है, यही क्या करता है, जाता है बैक्टीरिया के, बैक्टीरिया को से क्या करता है, बाइंड करता है, और अपना जो भी न्यूक्लिक एसिड है मतलब कि डीएनए है बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस कर देता है, जिससे ढेर सारे वायरस बन जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको बैक्टीरियोफाज भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारा जो अगला आता है क्लोनिंग वेक्टर, वह कहलाता है हमारा कॉस्मिड। कॉस्मिड जो होता है यह हमारा जो प्लाज्मिड से डेराइव किया जाता है। कॉस्मिड हमारा दो वर्ड से मिलके बना है, कॉस प्लस मिड, कॉस का मतलब होता है कॉस साइड और मिड का मतलब होता है प्लाज्मिड। तो आइए समझते हैं कॉस्मिड कैसे मतलब यह डेराइव किया गया था प्लाज्मिड से। यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा एक होता है प्लाज्मिड, ये हमारा प्लाज्मिड है। जब क्या करता है कोई बैक्टीरियोफाज, कोई बैक्टीरियो फाज क्या करता है कि इस प्लाज्मिड की एक साइट यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं कॉस साइट बोलते हैं। कॉस साइट मतलब कॉस का मतलब होता है कोहेसिव साइट, इस कोहेसिव साइट से जाके बाइंड करता है और एक हमारा हाइब्रिड वेक्टर बनाता है। हाइब्रिड वेक्टर बनाएगा जिसको हम बोलते हैं कॉस्मिड बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो कॉस्मिड होता है यह हमारा हाइब्रिड होता है बिटवीन प्लाज्मिड वेक्टर के और जो फाज लैम्डा वेक्टर है, फाज लैम्डा वेक्टर जो हमारा बैक्टीरियोफेज है उसके बीच की जो हमारी कड़ी है वह हमारा कहलाता है कॉस्मिड कहलाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब हमारा जो बैक्टीरियोफाज है, ठीक है, जिसको हम लैम्डा फेज डीएनए भी बोलते हैं, ये क्या करता है जब किसी प्लाज्मिड के कॉस साइड से जाके अटैच करता तो एक हमारा हाइब्रिड वेक्टर बनता है जिसको हम बोलते हैं कॉस्मिड बोलते हैं। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, इसको आप देख के यहाँ से डिफिनेशन लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, जो इसका स्ट्रक्चर आपको ऐसे बना देना, ज़्यादा डिटेल में नहीं आता है। कॉस्मिड देख सकते हैं, एक यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होता है, एक कॉस साइट होता है जिसको कोहेसिव साइट भी बोलते हैं, ठीक है, जिसका ओरिजिन होता है लैम्डा फेज से होता है, और जो यहाँ पे एक क्लोनिंग साइट प्रेजेंट होता है और यहाँ पे एक एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस साइट प्रेजेंट होता है। इस तरीके से हमारा कॉस्मिड का स्ट्रक्चर होता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।